तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हाइपर बाल वृक्ष ऐप है, जो ये मिनी जॉय का ऐप्स है, तो ये आप लोगों के साथ चीटिंग कर रहा है, क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो डाउनलोडेड है इसके कितने हैं, यहाँ पर डाउनलोड्स यहाँ पर इसके 1 मिलियन हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा संख्या होती है। और यहाँ पर इसका जो रिव्यू है ये आप देख सकते हैं 31K आए हैं, लेकिन इसका जो अभी आप देख सकते हैं इसका रिव्यू, तो ज़्यादातर लोगों का क्या है कि यहाँ पर KYC लोगों का पेंडिंग बता रहा है। क्यों बता रहा है, तो इसके लिए मैं अभी आपको बताऊँगा कि आपका यहाँ पर KYC पेंडिंग क्यों है और कब तक सक्सेस होगा, और आपका ये जो विड्रा होगा या नहीं होगा, आपकी KYC पेंडिंग होगी कि नहीं होगी। तो गाइज मेरे 2 अकाउंट थे, जिसका कि एक अकाउंट का मेरा जो है, जो मेरा एक अकाउंट है उसकी KYC सक्सेस हो गई। वो कितने दिन पर हुई, 20 से 22 दिन पर KYC मेरी सक्सेस हुई थी। तो मैंने क्या किया था कि मैंने इनसे एक मेल किया था, जो मैंने मेल किया था वो कैसे किया था वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ पर दिन में 1 या 2 बार यहाँ पर इनको मेल जरूर करना है, और आपको अपनी प्रॉब्लम कैसे बतानी सब कुछ आपके सामने लाइव बताऊंगा गाइज। तो बिना देरी किए आपको वीडियो पूरा स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, और पूरा वीडियो आपको देखते रहना है, क्योंकि जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, शायद मैं 100% तो नहीं कह सकता हूँ, बट यहाँ पर शायद आपको बता सकता हूँ। यहाँ पर देखते हैं ये KYC पेंडिंग है, तो मैंने जिस वीडियो बनाने के लिए कि ये रियल एप्लीकेशन या फेक एप्लीकेशन, तो इसके लिए मैंने फिर से एक नया एप्लीकेशन दोबारा, यानी मैंने एक ड्यूअल ऐप यहाँ पर क्रिएट करके यहाँ पर काम किया, जो कि ये आज 10 दिन का हो गया और यहाँ पर KYC पेंडिंग बता है गाइज। तो यहाँ पर मैंने इसमें काम करना बंद कर दिया है। क्यों नहीं काम कर रहा, जब तक KYC सक्सेस नहीं हो जाएगी मैं काम नहीं करूँगा, और मैं यहाँ मेल डेली करता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर KYC पेंडिंग है, और यहाँ पर जबकि दिया होता है कि यहाँ पर 1 बिजनेस डे के अंदर अंदर KYC सक्सेस हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी KYC सक्सेस होगी या नहीं होगी, तो गाइस ये सब कुछ यदि आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है, यदि आपका ज़्यादा टाइम हो गया है और आप इसे अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो आपकी हर प्रॉब्लम का भाई सॉल्यूशन मैं निकालने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर मैं 100% नहीं कह सकता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट जो मैं ट्रिक बताता हूँ, जिस ट्रिक से मेरा KYC यहाँ पर सक्सेस हुआ था और विड्रा भी हो गया था, वो मैं आपको बताता हूँ गाइज। तो सिंपल सा आपको गाइज क्या करना है, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है इस वीडियो में, तो सिंपल सा गाइज आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद गाइज आपको क्या होगा कि यहाँ पर आपको यदि न्यू अर्निंग एप्लीकेशन आपको चाहिए, तो यहाँ पर पेमेंट प्रूफ भी दे सकते हैं। उसके अलावा मेरे हर वीडियो पर कुछ ना कुछ गिफ्ट भी रहता है, जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में देता रहता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं स्क्रीन शॉट के साथ दे देता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर न्यू अर्निंग एप्लीकेशन आप लोगों को देता रहता हूँ गाइज, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यहाँ पर प्रॉफिट देने वाला अर्निंग एप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, आपको यदि KYC और विड्रा करने में कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं कुछ भी इजीली। तो अब गाइज बात करते हैं कि आपको ट्रिक जो मैं बताने वाला हूँ, आपकी KYC कैसे सक्सेस होगी, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो ये KYC आपकी कैसे सक्सेस होगी, तो मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपका ये KYC सक्सेस होगा या नहीं होगा, आप यहाँ पर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए अनइंस्टॉल करना चाहिए, तो ये सब कुछ मैं अभी आपके सामने लाइव बता दूंगा कि आपका क्या होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप लोग कहें तो मैं आपको यहाँ पर पेमेंट भी इसका जो मैं दिखाने वाला हूँ, तो सबसे पहले गाइज मैं आपको ट्रिक बताने से पहले आपको क्या करता हूँ, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि आप लोगों को पर डे एक बार इन्हें मेल जरूर करना है, और आपको कहीं पर भी कॉपी कर लेना है, जो मेल करना है कैसे करना वो मैं आपको बता दूं। तो इसके लिए गाइज 2 तरीके होते हैं कि आपको मेल करने का, तो गाइज यहाँ पर जो 2 तरीके हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो एक तरीका तो यहीं इसी एप्लीकेशन से आपको यहाँ पर इनसे संपर्क करना है, कॉन्टैक्ट करना है, कैसे कॉन्टैक्ट करना वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर गाइज देख सकते हैं 744 रुपीज है, बट यहाँ पर जो मैं विड्रा वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है कि KYC पेंडिंग दिखा रही है, सक्सेस होने, जबकि ये 10 से 12 15 दिन का हो चुका KYC। उसके अलावा कुछ लोगों के एप्लीकेशन में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं क्या लिखा रहता है, यहाँ पर जो बैलेंस होता है यहाँ पर टाइम चलता रहता है, जो कि टाइम सॉल्ड लिखा रहता है। तो इसका मतलब मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि आपकी जब KYC सक्सेस हो जाएगी तो यहाँ पर जो टाइम लिखा रहता है उसका ये मतलब होता है कि इतने टाइम के बाद ये नेक्स्ट यानी यहाँ पर बैलेंस आएगा, जो कि यहाँ पर ये मैं और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले संपर्क करने से पहले हमसे कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, तो उससे पहले एक चीज़ और मैं बता दूँ कि ये कंपनी पैसा देती है, यहाँ पर कुछ लोगों को देती है, मैनुअली पैसा देती है, ना कि ये कोई मशीन से पैसा देती, ये मैनुअली पैसा देती है। जिस भाई को ये करना चाहती है उसे देखती है कि कौन भाई यहाँ पर बंदा एक्टिव ज़्यादा रहता उसे यह कंपनी पैसा देती है। तो सिंपल सा यहाँ पर मैं इसे बैक करता हूँ, यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पर भी आ जाना है। तो यहाँ पर से आप यहाँ पर संपर्क कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आपको रेट वाले ऑप्शन पे आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 1 स्टार 2 स्टार जो भी आप देना चाहें ये दे सकते हैं, ठीक।
अब ये हो गया, यहाँ पर आप रेट करके भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर देख सकते हैं फ्रॉड ये सब कुछ लिखकर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ से यदि आप करेंगे तो इन्हें आप यहाँ इन्हें यानी आपको ये रिप्लाई नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं किसी भाई को यहाँ पर ये लोग रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किसी को ये रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, किसी का भी यहाँ पर बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं है। तो आप लोगों को जो मैं मेन ट्रिक बताने वाला हूँ वो आप जान लीजिए कहाँ से मेन ट्रिक है। तो सिंपल सा गाइज, आपको अपने प्ले स्टोर में सर्च करना है, क्या आपको सिंपल सा आ जाना है अपने प्ले स्टोर पर और आपको यहाँ पर सर्च करना है इस एप्लीकेशन का नाम हाइपर बाल ब्रिक्स। आप जैसे ही सर्च करेंगे गाइज, ऐसा आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, ठीक। इंटरफेस आने के बाद आपको गाइज क्या करना है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। आपको सिंपल सा एक बार इस पर फिर से आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। किस पर आपको क्लिक करना है, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना, ठीक। ध्यान से देखिए, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर से यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना है, ठीक। अब क्लिक करने के बाद गाइज ऐसा आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, ठीक। आने के बाद गाइज अब आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो आपके देख सकते हैं, ये लिखा है डेवलपर कॉन्टेक्ट। यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर सिंपल सा आपको क्लिक कर देना, ठीक। तो फिर से मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक। क्लिक करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे कैसे संपर्क आप इनसे करेंगे, तो ये चीज़ और मैं आप बता दूं, ये आपको रिप्लाई शायद ना दें, बहुत ही कम लोगों के ये रिप्लाई देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीटर होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा वेबसाइट वाले ऑप्शन पर भी आपको क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से मत करिए, सिंपल सा आपको यहाँ पर मेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ठीक। मेल वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे गाइज, तो अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ क्या करना है। तो गाइस देखिए, आपको क्या करना है, यहां पर सिंपल सा आपको डाल देना है केवाईसी पेंडिंग, ठीक। तो यहां पर आपको केवाईसी पेंडिंग डालने के बाद गाइस अब आपको क्या डालना है, यहां पर डालना है केवाईसी पेंडिंग। तो यहां पर आपको कितने दिन से डालना है, जैसे मेरा यहां पर 12 दिन से हो, दूसरा अकाउंट है यहां पर 12 दिन से है, तो केवाईसी पेंडिंग 12 डेज, यहां से आपको ऐसे डाल देना, कुछ भी डालना। फिर उसके बाद आपको डालना है कि विड्रॉ नहीं हो रहा है, यहाँ पर सॉल्ड आउट लिख रहा है और कितने दिन हो गया है, आप यहाँ पर कितने टाइम वर्क करते हैं, ये आपको यहाँ पर सब कुछ टाइप कर देना, ठीक। अब चलिए, मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, तो यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, तो ये मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। अब टाइप करने के बाद गाइज आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको सिंपल सा ऊपर जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, सिंपल सा आपको इस पर क्लिक कर देना, ठीक। क्लिक करने के बाद अब आपका ये मेल कंपनी के पास पहुंच गया है, ठीक है। अब कंपनी के पास आपका मेल जब पहुंच गया है तो ये लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, आपको रिप्लाई शायद ना दें, रिप्लाई देंगे तब तो अच्छी बात है, ना दें तब भी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर डे यदि आप यहाँ पर इस ऐप से परेशान हो चुके हैं, आपका केवाईसी पेंडिंग है, तो आपको सिंपल सा थोड़ा सा आपको काम करना है कि इन्हें बार बार आपको मेल करते रहना है। दिन में कम एक बार आप यहां पर फिर से मेल कर सकते हैं। तो जब आप मेल करेंगे, आपका ज़्यादा मेल उनके पास जाएगा उसी अकाउंट से, आपके उसी जीमेल से, तो ये आपको रिप्लाई भी दे सकते हैं। तो गाइज इस तरह से आपका यहाँ पर भी केवाईसी सक्सेस हो सकता है। तो ये मैं 100% नहीं कहता हूँ गाइज कि यहाँ पर सक्सेस होगा, क्योंकि मेरा एक ही अकाउंट यहाँ पर सक्सेस हुआ, दूसरा यहाँ पर पेंडिंग आपके सामने मैंने लाइव दिखाया, ठीक है। तो इस तरह से गाइज यहाँ पर आप अर्निंग जो आपने की है वो विड्रॉ कर सकते हैं, यदि आपकी केवाईसी पेंडिंग नहीं होगी, सक्सेस जाएगी तभी आप यहाँ से रिडीम लगा सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते। और हाँ, एक बात और गाइज बता दूं, यदि आपने ये एप्लीकेशन यहाँ से अनइंस्टॉल कर दिया तो आपका क्या होगा, जो बैलेंस है वो जीरो से हो जाएगा जब आप इसे फिर से इंस्टॉल करेंगे तब। तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है, वेट करने के अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर वेट करिए और यहाँ पर इनसे संपर्क करते रहें। तो गाइज आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जरूर संपर्क कर सकते हैं, तो इसे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।